सो गाइस फाइनली हो गया। हाँ अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम पार्वती व्यास के और आप सब देख रहे हैं पार्वती व्यास के ऑफिशियल। सो गाइस न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो बहुत वेट करने के बाद आज ये दिन पहुंचा है। तो आज है साइंस प्रोजेक्ट डे। तो फिलहाल 8 बजने के लिए 5 मिनट है, तो मैं अभी सब प्रिपरेशन कर रही थी। तो यहाँ पर बैग वगैरह है, तो देखते हैं अभी मैं क्या करती हूँ। ड्रेस वेस सब पहनेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ करेंगे। सो आप सब ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पर देखिए सब है चीज़, और यहाँ पर 3 फोटो है जो स्कूल में रह गया था, 3 तो उस वहाँ पर चिपकाएंगे। 3 नहीं 4 है वहाँ पर, और एक प्रिंट आउट मैंने गलती निकाला नहीं था, तो मैंने एक फ्रेंड को बोला कि तुम मेरे लिए निकाल दो, तो वो मेरे लिए निकाल दिया है। तो ठीक है, सबको समेटते हैं और चलिए चलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैं मेरे यूनिफॉर्म में हूँ और बाल को थोड़ा सा ठीक ठाक करेंगे। पापा वहाँ पर बैठे हैं मिरर के सामने, तो इसलिए मैं रेडी नहीं हुई हूँ, मतलब हेयर को ठीक नहीं किया है। तो और देखिए फ्लावर्स हुए हैं, बहुत बहुत फ्लावर्स होते हैं, मतलब एक ही पेड़ में 3 4 4 नहीं 5 फूल भी हो जाते हैं कभी कभी। तो ठीक है रेडी होते हैं और निकलते हैं। वैसे भी 8 बजे कहा था, प्रोग्राम 10 बजे है, तो पहुँचते बिकॉज मेरा भी वहाँ पर जाके सब लगाना वगैरह है, तो उसी लिए। सो चलिए प्रैक्टिकल ही पारे मोड़ा देखते जाते लगे।
मेरा पैसा वसूल तो हो गया बिकॉज मैं पार्टिसिपेट के लिए नहीं, मैं खाने के लिए गई थी। प्राइज मुझे प्राइज मिले या ना मिले, भाड़ में जाए प्राइज, बट मुझे खाना मिल गया, ये बहुत बड़ा बात है। बिकॉज मुझे ना स्कूल, मंदिर, ये सब का खाना बहुत अच्छा लगता है, वो एक अलग टाइप का सुकून जैसा मिलता है। तो फिलहाल हम साइकिल वगैरह को अंदर करेंगे और घर जाते हैं, और फ्रेश होने के बाद मैं आपके साथ मिलती हूँ। सो फिलहाल मैं चेंज करके बैठी हूँ फ्रेश वगैरह होके, तो एक्सपीरियंस क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता एक्सपीरियंस। लिटरली मैं इसका एक्सपीरियंस नहीं बता पाऊँगी। हाँ बट जो भी था अच्छा ही था, और हाँ ये मेरा लास्ट साइंस प्रोजेक्ट था, तो मैंने सोचा कि लास्ट साइंस प्रोजेक्ट था तो ठीक है कर लेते हैं, इसके बाद तो हमें चांस नहीं मिलेगा साइंस प्रोजेक्ट करना, तो ऐसे तैसे करके कुछ भी साइंस प्रोजेक्ट कर लिया था मैंने। हाँ एक्सपीरियंस तो सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगी कि आप एक प्रोजेक्ट करोगे तो उसका ऑल डिटेल्स, लाइक उड़िया में बोल रहे हो तो आप उसका इंग्लिश नेम भी जान के रखिए। लिटरली आज मेरे साथ वैसा हुआ कि मुझे कुछ कुछ उड़िया में पूछे, वो जज नहीं पूछे थे, मुझे गेस्ट पूछे थे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा था, तो कोई नहीं ऐसा होता है, सभी सभी बच्चे आंसर दे ये कोई गारंटेड तो नहीं है, तो कोई नहीं ऐसे होता है। तो ठीक है मैं भी बहुत थक गई हूँ, और हाँ ये हैंड मेरा पेन कर रहा है पता नहीं क्यों। तो ठीक है इस ब्लॉग को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही डांस एंड ब्लॉग वीडियोस देखने के लिए। सो टाटा टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ।